सो हेलो गाइस, आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, जिसकी लेंथ 30 मीटर तक होती है। लेकिन पुराने ज़माने में इससे बड़े और कई खतरनाक जीव हुआ करते थे, जिनके फॉसिल्स आज भी हमें मिलते रहते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं में से एक मेगालोडोन शार्क के बारे में बताने वाला हूँ, जो लाखों साल पहले समुद्र पर राज किया करती थी। आज के समय में सबसे बड़ी शार्क दी व्हेल शार्क को माना जाता है, जिसकी लंबाई 18 मीटर तक होती है। साथ में दुनिया की सबसे छोटी शार्क ड्वार्फ लैंटर्न शार्क है, जो इंसान के हाथ से भी छोटी होती है। लेकिन आज से लाखों साल पहले समुद्र पर राज करने वाली मेगालोडोन शार्क है। इनके फॉसिल्स के रूप में हमें सिर्फ इनके दांत ही मिले हैं। इसका कारण ये है कि शार्क में हड्डियां नहीं होती, उनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज का सीधा सिंपल मीनिंग है नरम हड्डी या फ्लेक्सिबल बोन्स। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं, जैसे कान, नाक और हड्डियों के जॉइंट्स। मेगालोडोन के फॉसिल से अंटार्कटिका को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट पर पाए गए हैं। मेगालोडोन का अर्थ है बड़े दांत। इसका कारण इसके बड़े दांत ही है, क्योंकि कहा जाता है कि इनके दांत आज की मॉडर्न ग्रेट व्हाइट शार्क के दांत से भी 3 गुना बड़े हैं। इनके फॉसिल्स से पता चलता है कि ये आज से 26 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन ये जीव 26 लाख साल पहले विलुप्त हो गया, इसका दावा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इनके फॉसिल्स के रूप में हमें सिर्फ इनके दांत ही मिले हैं। इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि मेगालोडोन शार्क आज भी समुद्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं। हो सकता है कि ये बातें बेकार की लगे, लेकिन इसका एक ठोस कारण है, वह इसका विलुप्ति का कारण कि आज भी हमें नहीं पता इतना बड़ा जीव आखिर कैसे विलुप्त हो गया। इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाया। हालांकि ये भी सच है कि अगर मेगालोडोन शार्क आज भी जिंदा होती तो हमें पता होता, क्योंकि मेगालोडोन शार्क कोई छोटी मछली तो है नहीं। वैसे मेगालोडोन के साइज पर भी कई विवाद है, लेकिन अंदाजा 10 से 20 मीटर या 30 से 60 फीट तक है। लेकिन इसकी एवरेज लेंथ 10 मीटर यानी कि 33 फीट बताई गई है। इनके सबसे बड़े दांत ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच तक होते हैं। वैसे शार्क के दांतों के बारे में एक और फैक्ट ये है कि शार्क के दांत गिरते रहते हैं और उनके पीछे के दांत आगे के दांतों की जगह लेते रहते हैं। मेगालोडोन शार्क आज तक की सबसे बड़ी शार्क है, लेकिन क्या मेगालोडोन आज भी जिंदा है? वैसे इसका एक्सटिंक्शन एक मिस्ट्री है, लेकिन कई रिपोर्ट हमें इसके एक्सटिंक्शन का कारण बताती है। यह रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ये शार्क्स ट्रॉपिकल वाटर्स में रहती थी, लेकिन समुद्र का तापमान कोल्ड होने लगा और समुद्र फ्रीज होने लगे, जिससे उनके मेन शिकार जैसे स्मॉलर व्हेल, सील्स और समुद्री कछुए मरने लगे या अपनी जगह से जाने लगे, जिससे शार्क कोल्ड वाटर में शिकार नहीं कर पाई और वह एक्सटिंक्ट हो गई। और इसी टॉपिक पर 2018 में आई मूवी द मेग ने मेगालोडोन को आज भी जिंदा बताया गया है। वैसे हमने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है, बाकी का 95% हिस्सा आज तक अनएक्सप्लोर है। तो आपको क्या लगता है, मेगालोडोन शार्क आज भी उस 95% हिस्से में जिंदा है या एक्सटिंक्ट हो चुकी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अमेजिंग, ऑसम और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।